और कहा गया कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम करेंगे और कुल मिलाकर के 6557 किलोमीटर सड़क का निर्माण नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना। और मैं समझता हूँ कि वो भी अपने आप में बड़ा काम था, जहाँ 6557 किलोमीटर की लंबाई का सड़कों का निर्माण किया गया, वहीं 14-15 के दौरान 1237 किलोमीटर लंबाई सड़कों का निर्माण किया गया था। ये बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि इस काम का कोई सड़क नहीं बचा रहेगा जो कि 2001 के वो नेटवर्क के हिसाब से चयनित किया गया था। जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो टारगेट रखा था वो 2022 तक था, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस टारगेट को कम करके 2019 तक करने का काम किया गया। अब हम ये संतोष के साथ कह सकते हैं कि जो रफ्तार है, जो तेजी है, जो गति है, ये गति बढ़ेगा और बढ़ करके पूरे 2019 तक 2001 के को नेटवर्क में जो चयनित सड़क था, सड़कों को गाँव से जोड़ने का, बारामसी सड़कों जोड़ने का पूरा हो जाएगा। 2019 तक कोई सड़क नहीं बचेगा, ये भी संकल्प के साथ काम किया गया, उसके परिणाम आ रहे हैं। दूसरी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर गाँव की खुशहाली के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, मनरेगा जैसा कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। 30 से 32 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होते थे, मगर उसको बढ़ा करके भारत की सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 55,000 करोड़ रुपया करने का काम किया, इसमें भी राशि बढ़ाया। और पिछले 4 वर्षों के दरमियान मैं समझता हूँ कि जहाँ कमजोर तबका का जो लोग, OBC का जो लोग था, उसके लिए एक बहुत बड़ा साधन आजीविका का बना, वहीं आर्थिक स्थिति भी उसकी मजबूत हुआ और साथ साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का भी निर्माण हुआ, जिसमें कि खास तौर पर जो परिसंपत्तियों का सृजन हुआ उसमें प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन और जल संरक्षण कार्यों पर अधिक ध्यान देने का काम किया गया। और जो राशि खर्च हुआ है उसमें कुल मिलाकर के 65% राशि का खर्च प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन और जल संरक्षण पर करने का काम किया गया, इसमें सिंचाई वगैरह सब आता है, ये भी बड़ी उपलब्धि है। आपको मैं बताऊं कि 2017-18 में मनरेगा के में 174.54 लाख कार्य जहाँ शामिल हुआ, वहीं 233 करोड़ रुपया से अधिक श्रम दिवसों का मजदूरी रोजगार सृजित करके 5.11 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंजिंग हुआ इस मनरेगा में धनराशि उपलब्ध कराने के बाद, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सबसे बड़ी बात यह है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो गांव के गरीब महिलाएं हैं, उनके जीवन को खुशहाल करने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उनको आजीविका देने के लिए, ये स्वयं सहायता समूह जिसको हम आजीविका मिशन कहते हैं, आजीविका मिशन के तहत मैं समझता हूँ कि पूरे देश के पैमाने पर बहुत बड़ा काम हुआ है। कुल मिलाकर के 2017-18 में देश भर में 88 लाख से अधिक परिवारों को 7.75 लाख स्वयं सहायता समूह में एकजुट किया गया है और कुल मिलाकर के 4.1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 40.8 लाख से अधिक SSG से जोड़ने का काम किया गया। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कुल मिलाकर के SSG से लगभग 5 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम किया गया और अपने अपने क्षेत्रों में
बिहार सहित देश के पैमाने पर कभी जो एस एच जी के ग्रुप के महिलाएं हैं पूरे 20 राज्य के 34 एस एच जी ग्रुप को, इसमें बिहार के 3 एस एच जी ग्रुप को भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। 1-1 लाख की राशि दी गई है, सर्टिफिकेट दिया गया है ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़े और सब में सक्सेस स्टोरी है। कई लोगों ने कहा मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, महिलाएं जो शेयर कर रही थी अपने दर्द और व्यायाम, या हम लोगों ने जाकर के विभिन्न राज्यों के स्तर पर उनको देखने का काम किया है, समझने का काम किया है, जहाँ तक कितना जीवन में परिवर्तन होता है। जो एक रास्ते में खाने के लिए गांव में खाने के लिए अपने परिवार को पोसने के लिए तरस रही थी, आज वो ऐसे ग्रुप से जुड़ करके, स्वयं सहायता समूह से ग्रुप से जुड़ करके, बैंकों से फाइनेंस करा करके और केंद्र सरकार ने पैसा दे करके, राज्य सरकार ने पैसा दे करके उनको अपने बड़े पैर पर खड़ा करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि आदमी को बड़े पैमाने पर जहाँ रोजगार मिले हैं वहीं उनका जीवन स्तर में काफ़ी बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है, उनकी आर्थिक संपन्नता भी बनी है। ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, गाँव की गरीबी और खुशहाली लाने के लिए, उनकी जीवन स्तर ऊँचा होने के लिए मैं समझता हूँ कि ये काम किया जा रहा है और उसके बड़े फायदे महसूस हो रहे हैं, जिसमें कृषि और बागवानी, दूध, कई तरह के काम एस एच जी ग्रुप के माध्यम से होता है। आप लोग उसको देखते होंगे, हर गांव में एस एच जी ग्रुप काम कर रहा है और उसके बड़े सार्थक परिणाम आ रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि नौजवान हैं, उस नौजवान और गरीब आदमी को या आम लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, गांव के स्तर पर कौशल केंद्र की स्थापना की गई है और उस कौशल केंद्र के माध्यम से लोगों को जहां ट्रेनिंग दिया जा रहा है। गांव के स्तर पर बहुत लोग राजमिस्त्री का काम सीखे हैं, बहुत लोग मोटर बनाने का काम सीखे हैं, बहुत लोग बड़े मिस्त्री का काम सीखे हैं, बहुत लोग इलेक्ट्रीशियन का काम सीखे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में, आपके भोजपुरा में भी और कई स्तरों पर भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको रोजगार भी देने का काम किया जा रहा है। पूरा हम आपको बताएं कि जो DDU GKY के अंतर्गत जो हमारा कार्ययोजना है, इसके जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं विस्तार से, DDU GKY के अंतर्गत कुल मिला करके 5.7 लाख अभ्यर्थियों ने और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण मिला है, जिसमें 3.48 लाख जो एप्लीकेंट थे जिनको ट्रेनिंग मिली उनको रोजगार भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है पूरे देश के पैमाने पर। जो गांव के स्तर पर एक गांव के स्तर पर ट्रेनिंग चलती है, जो हमारे डिपार्टमेंट उसको कंडक्ट करती है, एक पूरे देश के पैमाने पर अलग से कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, उसमें बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जाती है। दो तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने देख रेख में ट्रेनिंग दे रहा है और एक कौशल विकास केंद्र की एक स्थापना जो हुई है उसका डिपार्टमेंट अलग ही है, वो भी ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है और उसमें काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है। इससे महत्वपूर्ण और एक गरीबों के लिए एक सहारा का काम जो बन रहा है, जिसको पेंशन करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन करते हैं या विधवा पेंशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बजट का प्रावधान किया है और कुल मिलाकर के 18-19 के लिए 9975 करोड़ रुपये की राशि इस योजना के माध्यम से आवंटित की गई है। और मैं समझता हूँ 9975 करोड़ 18-19 तक ये काम ये किया गया है और 14-15 में जो बजट का आवंटन है उससे 38% अधिक आवंटन किया गया है, यानी गरीबों के सहायता के लिए, जो विकलांग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो वीडो हैं, उनके लिए भी सरकार ने ये काम धन के माध्यम से किया है और राशि बढ़ाने का काम किया है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पूरे देश के पैमाने पर
और भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक सबसे बड़ा कार्यक्रम जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का पंचायती राज डिपार्टमेंट देखता है इस काम को, आपने देखा होगा 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में पंचायतों को 488 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरे देश के पैमाने पर 2019 तक 2,00,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन होगा। और आप देख रहे होंगे कि आबादी के हिसाब से हर पंचायत में सीधे मुखिया के अकाउंट में पैसा जा रहा है। पहले ये पैसा मुखिया के अकाउंट में सीधे नहीं जाता था, ये पैसा जाता था राज्य को, राज्य देता था जिला को, जिला देता था ब्लॉक, और ब्लॉक पंचायतों को आवंटित करता था, जिसके वजह से इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब होता था। विकास का पैसा कई राज्यों की सरकार तो डाइवर्ट कर देती थी, तो राज्य की सरकार के भरोसे नहीं छोड़ करके केंद्र ने ये निर्णय लिया कि हम सीधे गांव के विकास के लिए जहां धनराशि अधिक उपलब्ध कराएंगे, वहीं काम में जो व्यवधान होता है या विलम्ब होता है पैसा नहीं आने की वजह से, उस कठिनाई को भी हम दूर करने का काम करेंगे। और आप जानते हैं, सब लोग गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, जब से एक कार्य प्रारंभ किया गया है पंचायतों को सीधा पैसा देने का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी धनराशि आ रही है। आज़ादी के बाद इतना अधिक पैसा पंचायतों को नहीं मिलता था। आप आबादी के हिसाब से कोई पंचायत में 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1-1 करोड़ इससे कम नहीं आ रहा है पैसा। मेरे यहाँ पंचायत जो शहरी इलाके का कुछ पार्ट अभी पंचायत में ही है, आबादी बहुत बढ़ गई है। ये कुर्थौल में आप जानते होंगे भाई, कभी गया होंगे फुलवारी विधानसभा क्षेत्र कुर्थौल भोले में है, उस कुर्थौल पंचायत में 3 करोड़ रुपये की राशि एक वित्तीय वर्ष में आ रहा है। इतनी धनराशि आ रही है, और आप सब लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं, वही पैसा गांव के विकास में खर्च हो रहा है, जिसमें कि 7 निश्चय के माध्यम से हर गाँव में गली बनेगा, नली बनेगा, हर घर में पानी जाएगा। भारत सरकार की दी गई राशि है, जिसका सदुपयोग 7 निश्चय के माध्यम से गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया जा रहा है। एक अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, किनकी चिंता की, गरीब लोगों की। गरीब लोगों ने क्या चिंता की, आप जानते हैं कि बिहार और देश के पैमाने पर